तस्वीरों में दिख रहे इन जनाब को देखिए, ये बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने ना कोई एग्जाम दिया, ना कोई दौड़ निकाला, ना ही इनके हाथों में कभी अपॉइंटमेंट लेटर ही मिला, लेकिन फिर भी ये महाशय बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हैं और धौंस दिखाते हुए खगड़िया में नौकरी भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल चार दिनों पहले आरटीआई कार्यकर्ता मनोज मिश्र ने इंटरनेट पर एक दरोगा के फर्जी तरीके से नौकरी करने की पोल खोली थी। मीडिया में ये खबर वायरल होने के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई और खगड़िया के मानसी थाना में काम कर रहे एक दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद पता चला कि गिरफ्तार नकली दरोगा विक्रम कुमार बेगूसराय का रहने वाला है। विक्रम कुमार मानसी थाना अध्यक्ष को फर्जी नियुक्ति पत्र और एडमिट कार्ड दिखाकर दरोगा के रूप में काम कर रहा था। इतना ही नहीं, ये फर्जी दरोगा वर्दी पहनकर कई जगहों पर ड्यूटी भी कर चुका है। जांच में ये भी साफ हो गया कि उसकी कहीं से पुलिस विभाग में बहाली नहीं हुई थी। वो फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर थाना अध्यक्ष को विश्वास में लेकर काम कर रहा था। इस मामले पर मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार का कहना है कि विक्रम ने कुछ दिनों पहले थाना में आकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिखाया। जब वरीय अधिकारी का डीओ लेटर मांगा गया तो कहना था कि डीओ लेटर आ जाएगा। फिलहाल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने वाला ये फर्जी दरोगा अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन दरोगा के इस तरह से गिरफ्तारी से पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार ने जांच कर बताने को कहा है, इस तरह का फर्जी दरोगा और कहीं नकली नियुक्ति पत्र दिखाकर नौकरी तो नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।